हेलो फ्रेंड्स मैं कुमार आपका आपके चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज हम बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड हम बात करने वाले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो क्या हमें इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए आ, कब इन्वेस्ट करना चाहिए क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन जानेंगे एज वेल एज यहाँ पर इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए थे कल की डेट में तो वो हम यहाँ पर जानते हुए नजर आएंगे तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट चैनल को 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 सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन हिट ऑल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बट उन्होंने यहाँ नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रखा जिसकी वजह से वीडियो नहीं पहुंच पा रही और वो वीडियोज को देख नहीं पा रहे एज वेल एज यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब तो दे वीडियोस देखते हैं हमारी बट यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते तो रिक्वेस्ट रहेगी आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू सो मच वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम बात करने वाले यहाँ पर एल आई सी से रिलेटेड सबसे पहले एल आई सी का बिजनेस मॉडल क्या है वो हम सबको पता ही है कि यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर मार्केट का प्लेयर है इन द सेक्टर ऑफ इंश्योरेंस तो यहाँ पर इंश्योरेंस यहाँ पर देता हुआ नजर आता है लगभग और, और शायद ये थोड़ा सा ये पुराना है एडिटेड है तो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया शायद फिफ्टी फाइव परसेंट के आसपास का जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो पर्टिकुलरली केवल और केवल एल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ले रखा है जिसमें ये अलग अलग तरीके के सेगमेंट यहाँ पर निकालते रहते हैं अलग अलग प्लान निकालते रहते हैं, जो टर्म्स प्लान ओके एज वेल एज मेचोरिटी प्लान वो सब चीज यहाँ पर निकालते रहते हैं जैसे कि पेंशन से रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड वो सब चीज यहाँ पर निकाल प्लांस आते रहते हैं यहाँ पर और गवर्नमेंट के अंदर में आता हुआ दिखाई देता है और इसकी वैल्यूएशन की अगर हम बात करें अगर ये पूरा का पूरा अभी तो देखिए कुछ ही परसेंटेज मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया था अगर ये पूरा मार्केट में आ जाता तो यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर टाटा से भी ज्यादा होती है और यहाँ पर रिलायंस की वैल्यू जो रिलायंस नंबर वन है उससे भी ज्यादा होती हुई नजर आती है और ये एक नंबर वन शेयर

तो यहाँ पर LIC की एल आई सी की हिस्सेदारी दे रखा अलग अलग उसमें जाएंगे ना तो आपको पता चलेगी देखिए एस सी एल हीरोप सारे आई आर सी टी सी हर जगह पर यहाँ पर इन्होंने हिस्सेदारी लेके रख रखी है तो एल आई सी एक छोटी मोटी नहीं एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी अगर हम डिविडेंड से इनकम की बात करें साल की तो साल की डिविडेंड से ही इनकम कम से कम 60 से 70 करोड़ रुपए आती हुई दिखाई देती है तो इतनी लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए तो अच्छी अच्छी कंपनीज की मार्केट वैल्यूएशन नहीं है उससे तो डिविडेंड मिलता हुआ नजर आता है एज वेल एज यहाँ पर देखे तो इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए जो कि आप देख सकते हैं इस बार के रिजल्ट है लास्ट क्वार्टर के लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर के रिजल्ट है इन इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट नजर आते हैं तो यहाँ पर सब चीज में आपको बताऊंगा तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट ईयर प्रीमियम का यहाँ पर दे रखा है कि प्रीमियम बढ़ती हुई नजर आई तो क्वार्टरली बेस पे घटी है बट ईयरली बेस पे बढ़ी है रिन्यूअल जो प्रीमियम है वो होती हुई नजर आई है सिंगल जो प्रीमियम आती हुई दिखाई दी है वो नेट प्रीमियम कितनी है वो सब चीज यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर ओवरऑल आप देखेंगे And all, यहाँ पर सब देखने के, तो के पास एक अच्छा खासा पैसा आता है कुछ इन्होंने करके में है या प्रॉफिट में इटरली बेस पे क्या है तो आपको यहाँ पर पता चलेगा देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द एक्सट्रॉनरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स ये देख सकते हैं या इसे भी देख सकते है आप कोई भी यहाँ पर चीज देख लीजिये तो आपको पता चलेगा देखिए साठ मतलब 602 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई दिया इस कंपनी को इस क्वार्टर में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया इससे पहले कितना प्रॉफिट था इससे पहले यहाँ पर प्रॉफिट था 2409 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था लगभग 409 सौ नौ करोड़ का, का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था चौबीस करोड़ की इससे पहले यहाँ पर बात करें तो केवल और केवल कितना करोड़ का प्रॉफिट था 24 करोड़ का प्रॉफिट था तो एक साल में अगर हम देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट किस स्पीड से बढ़ा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन हुआ है मेनी टाइम्स तो कंपनी का ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट अच्छा है बट क्वार्टरली बेस पे देखेंगे ना उसी हिसाब से यहाँ पर गिरता हुआ भी नजर आया है तो ये सब चीज आपको क्या करना है ये सब चीज आपको ध्यान में देखिए आपको देखना है एज वेल एज एन वगैरह दे रखे हैं कंपनी के एन कैसे है कैसे नहीं है तो यहाँ पर एनपीएस भी ग्रॉस एनपीएस देखेंगे तो कम होते हुए नजर आए क्वार्टरली बेस पे और यहाँ पर नेट एनपीएस बात कर करें तो जीरो का यहाँ पर दे रखा है तो वो सब चीज यहाँ पर दे रखी है और भी बहुत

तो कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट यहां पर अच्छे आते हुए दिखाई दिए है बट तो यह तो यहां, तो यहां, पर यहां पर अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की तो जितने शेयर है उसके हिसाब से लगभग चार लाख इकतीस हजार छह सौ अठारह करोड़ रुपए की मार्केट कैप है बट पूरे शेयर मार्केट में नहीं आए इस चीज पे याद रखिएगा पीई की रेशियो की बात करें एक का पी ए इंडस्ट्री का पी सिक्सटी का है तो कहीं ना कहीं ये शेयर अभी भी यहाँ पर महंगा नजर आता है इस चीज को भी यहाँ पर ध्यान दीजिए बाकी दूसरे जो मेन प्लेयर है प्राइवेट हो या दूसरे गवर्नमेंट प्लेयर्स हो वो भी उनका भी वैल्यूएशन इतना यहाँ पर महंगा नहीं नजर आता है और ये शेयर अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा गिरावट भी यहाँ पर हो चुकी है एज वेल एज कंपनी का अच्छा वन फोर्टी टू परसेंट फोर्टी परसेंट और जैसे कि मैंने बताया था इन कंपनी की इतनी मार्केट वैल्यूएशन नहीं है जितना ये साल में यहाँ पर केवल डिविडेंड डिविडेंड से कमा लेता है तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर तवज्जो देनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा

इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों होगी तो यहाँ पर देखिए रिजर्व कंपनी का करोड़ के रिजर्व है कोई बॉराइंग नहीं है इन्वेस्टमेंट कंपनी का देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगी कंपनी ने लगभग तीन लाख नब्बे हजार सॉरी उनतालीस लाख दो हजार एक सौ छह करोड़ रुपए का तो यहाँ पर क्या कर रखा है केवल और केवल इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट से ही देखिए कितनी बड़ी कंपनी नजर आती है कैश सैतीस हजार करोड़ रुपए का कैश भी है और यहाँ पर देखिए प्रोमोटर्स के पास लगभग 96 मतलब कौन है यहाँ पर जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर प्रोमोटर है तो यहाँ पर पांच परसेंट भी शेयर नहीं आए समझ रहे अभी केवल और केवल छोटे से थोड़े से शेयर यहाँ पर मार्केट में आए हैं एफ आईज भी है डी भी है थोड़े बहुत पब्लिक भी है अब क्या करना है अब देखिए मैं जेनुअन वाली बात आपको बताता हूँ उस चीज को फॉलो करिएगा ओके मार्केट में पैसा कब लगाना है वो भी पता चल जाएगी और मार्केट में पैसा उस टाइम फिर बनता हुआ नजर आएगा देखिए एफ आईज नील बट्टे सन्नाटम डी आई आईजन जीरो सिक्स परसेंट ना एफ आई आईज है ना डी आई आईज है पब्लिक के पास थोड़े बहुत है ओके और यहाँ पर जो वैल्यूएशन है तो ऑपरेटर तो ऑपरेट कर नहीं सकता इस चीज को भी याद रखिए दो परसेंट का मतलब भी यहाँ पर देखेंगे ना तो दो परसेंट एक बहुत बड़ी यहाँ पर इनकम हो जाती है लगभग लगभग आठ हजार करोड़ रुपए के आसपास वन बिलियन डॉलर के आसपास हो जाता है मुझे नहीं लगता ऑपरेटर कोई इसमें यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे शेयर इसे जो ऑपरेट करेगा इसे ऑपरेट करेंगे FIs और जब जब इसमें ये भर के आएंगे जब ये 1.2 से से पर धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा डी आई एस भी धीरे धीरे आएंगे एक से दो दो से तीन तीन से चार इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आए जब इसमें ये क्वान्टिटी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ती हुई नजर आए ना तो उस टाइम यहाँ पर हिट करिएगा इसमें इस शेयर की तरफ उस टाइम ध्यान दीजिएगा तब तक शेयर होल्डिंग पैटर्न पे और दीरे दीरे फिर उस पर शेयर को एक्मुलेट करिएगा एक बेहतरीन पर इस पर्टिकुलर शेयर में आपको उस टाइम यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे उस टाइम समझते हुए नजर आएंगे कि यहाँ पर क्या एग्जेक्टली चलता हुआ नजर आ रहा है अब बात करते हैं यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न की तो चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर एक बेहतरीन इस वाले मोड पे था यहाँ पर आके यहाँ पर ऊपर की तरफ गया एक ब्रेकआउट दिया बट यहाँ पर ये यह फॉल्स ब्रेकआउट था और उसके बाद पर गिरता हुआ नजर आया और दो बार से आप देखेंगे तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो बार आके यहाँ पर रुक चुका है तो इसके लिए एक यहाँ पर सपोर्ट है अगर इस सपोर्ट को तोड़ा तो सीधे ये शेयर दोबारा 650 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा और ऊपर की रेंज की बात करूं तो ऊपर के रेंज में इसे सबसे पहले तो इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है और दूसरे लेवल की बात करें तो दूसरा लेवल ये वाला है ओके इस वाले लेवल को भी अगर ये निकाल देता है एक तेजी होगी जो इसे सबसे पहले सीधे यहाँ पर लेके जाएगी और यहाँ पर भी लेके जाएगी तो शेयर की तरफ ध्यान देना है आपको बट अभी बेफाल में कूदना नहीं है थोड़ा सा वेट करना है रिजल्ट अच्छे है ईयरली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे डाउन है ओके okay, इंश्योरेंस के सेक्टर के रिजल्ट थोड़े से अभी इसी तरीके से आए बट अच्छे रिजल्ट है और इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ेगा भी तो मेरा कहने का मतलब है एक बार एफ आई यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को बदलने दीजिए ओके एज वेल एज यहाँ पर कुछ होता है तो इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर चलने दीजिए फिर यहाँ पर शेयर को खरीदिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न मिलते हुए नजर आएगा थोड़ा सा टाइम और ये शेयर लेगा ओके okay, बट उसके बाद एक बेहतरीन रिटर्न्स पर पर्टिकुलर पॉइंट पे बनते हुए नजर आएंगे चाहे तो यहाँ पर भी खरीद सकते हैं फिर आपको थोड़ा सा लंबा टाइम का वेट करना पड़ेगा बट ब्रेकआउट वगैरह होगा जो एफ आई डी आई जाएंगे तो उस टाइम यहाँ पर खरीदेंगे तो आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा उस पैसे का दूसरी जगह पर यूज कर सकते हैं तो ये सारी की सारी यहाँ पर कथा है ये पूरा का पूरा एनालिसिस है जिस तरीके से यहाँ पर शेयर चलते हैं मैं आपको वो बता चुका हूँ तो इन दो लेवल की तरफ ध्यान दीजिएगा जैसे ही यहाँ रेजिस्टेंस थोड़ा शेयर भागेगा अदरवाइज नीचे के लेवल यहाँ पर है और इस लेवल पे आता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना चैनल सब्सक्राइब करना है दूसरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना है हमारे दोनों यहाँ पर ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर प्लेस